Yes, we are live now. Hello friends. This is Yimanchi and welcome to Let's Learn. तो जिसको हम कहेंगे कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और ये पहली बार ही है मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ सी टेट और टीचिंग एग्जाम्स के इवन मुझे नहीं पता कि पहले ऐसा कभी किसी भी एग्जाम में हुआ कि नहीं हुआ कि पहले ऑनलाइन कर दिया वो पेपर और फिर ऑफलाइन चले गए हों टीचिंग में तो एटलीस्ट ये पहली बार ही हो रहा है और ये शॉकिंग भी है और uh, क्यों हो रहा है इस पर तो बाद में बात करेंगे कुछ जो चेंजेस हैं वो क्यों देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीजें हैं पेपर लेंदी होगा तो कैसे ऑफलाइन में टाइम ज्यादा लगेगा या फिर ये फायदे की बात है नुकसान की बात है सेंटर्स का क्या होगा इस तरह के बहुत सारे आपके क्वेश्चन है ये सी की ऑफिशियल वेबसाइट है शाम को सात बजे वाली क्लास में मैंने सारा डिस्कशन किया था करियर वेलैब पे और कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या आप सच बोल रहे हो क्या है ना मतलब ये ऐसे वाली बात थी कि एकदम नई सी बात थी खैर क्लियरली इन्होंने यहीं पर नोटिस दिया हुआ पब्लिक नोटिस ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर टेस्ट होगा ओएमआर शीट पे और ये आपके नोटिस में क्लियरली मेंशनड है है ना इन्होंने इसमें कोई भी डाउट छोड़ा नहीं है कि जो 17वां एडिशन है आपके एग्जाम का सीटेट का वो अब क्या होगा ऑफलाइन होगा पेपर और तारीख आपकी बता दी है बीस तारीख को यानी 20th अगस्त को संडे में पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया एक ही दिन एग्जाम ले, ले लेंगे और कहानी खत्म ठीक खैर इसमें आएंगे अभी और आ, समझेंगे कि इस तरह से ओ एम आर बेस्ड पेपर होगा उसमें फायदे कई सारे हैं आप लोगों के लिए और आ, ये ओ एमआर शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है मैं दे भी दूंगी जिससे प्रैक्टिस हो सके इसमें समय बहुत ज्यादा है ओ एम आर में ठीक है ना ये तो हुई क्लास की बात अब कुछ कुछ पॉइंट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक तो जो पेपर है सीटेट का वो बीस अगस्त को जो सीटेट के ऑफिशियल नोटिस मेंशन में है बीस 20 अगस्त दो हजार तेईस यानी एक तो हमें समय मिल गया ज्यादा पेपर क्या होता था 2019 में हुआ था चार साल पहले जो है एग्जाम आपका ऑफलाइन लास्ट टाइम ओ एम ओएमआर शीट मिलती थी और एक पेपर आता था और आप ऑफलाइन जाकर के पेपर देते थे उसके बाद 2020 वाला भी फिर इक्कीस वाला भी जो है पेपर ऑनलाइन हुए हैं ठीक अब यहाँ पे एक ही दिन में एक ही दिन में आपका सीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा